नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और आज अपन फिर कुछ दिनों पहले जहां पढ़ रहे थे उससे आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। बीच में उम्मीद से वीडियो नीचे आ गए थे, शायद अब स्कूल जल्दी ओपन हो जाएगी तो अपन ऑफलाइन स्टडी पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आप भी इस कार्य क्षेत्र में लगे रहे ताकि अपने को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और अपनी जो पढ़ाई है उसको व्यवस्थित तरीके से जारी रह सके। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लोज, और ये इसका जो पार्ट नंबर 5, इसमें अपन आज देखेंगे यूज ऑफ डेट। मतलब कि डेट का प्रयोग, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं हल्की फुल्की, लेकिन आज अपन इसको एक एक पॉइंट इसका एनालिसिस करके पढ़ेंगे कि डेट का यूज किन किन सिचुएशन में किया जाता है। मैंने आपको बताया रहा हूं कि आज तक आपने हु विच जो भी पढ़ा उन सब के ऑप्शन में ही है डेट। मतलब हु जहां प्रयोग आता है वहां डेट का भी यूज कर सकते हो, विच का जहां प्रयोग होता है वहां पर भी आप डेट का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पर्याप्त अंतर भी है। यह नहीं है कि हु और डेट दोनों एक जैसे ही है, जहां मर्जी वहां इनका प्रयोग करो, ऐसा नहीं होता है। अब वो अंतर क्या है, वास्तविक रूप से क्या अंतर है, देखो अपन इसको अपनी भाषा में अगर शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में समझना चाहे तब अपने पास में एक पॉइंट है हु और विच, ये दो ऑप्शन है, और इधर अपने पास में ऑप्शन है डेट। समझ गए मेरी बात। अब इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का यूजेज सेम जगह सेम पॉइंट के लिए होता है, लेकिन फिर भी अपन इनका अध्ययन अलग अलग कर रहे हैं, इनका यूजेज अलग अलग है। अब वो एक छोटा सा अंतर है, ये क्या करते हैं भैया, एक निश्चित नाउन को इंडिकेट करते हैं, चाहे वो हो चाहे विच हो, ये एक फिक्स नाउन को इंडिकेट करते हैं, जबकि ये है दैट वो एक अनिश्चित नाउन को इंडिकेट करता है। जैसे मैं कहूं राहुल, अब राहुल के साथ डेट उतना स्वीट नहीं होता है जितना वो होता है, समझ गए। अब राहुल के लिए डेट लगाओगे हु लगाओगे तो अपन हु लगाएंगे, क्योंकि राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक फिक्स पर्सन है, निश्चित संज्ञा है। जबकि मैं बात करूं द बॉय, बालक की, अब बालक कौन सा है वो निश्चित नहीं है, ये बात निश्चित नहीं है, इसलिए यहां पर हु की बजाय किसका यूज होगा, समझ गए। ये इन दोनों के अंतर्गत एक अंतर है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम दैट का यूज कहां कहां करते हैं, ध्यान दे भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य प्लस यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य और उस मनुष्य के साथ में एनिमल या कोई थिंग है, वस्तु है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, डेट का यूज कर देते हैं। ह्यूमन क्या था, सिर्फ ह्यूमन था,
विच में क्या था, सिर्फ एनिमल या थिंग थी, लेकिन जब ह्यूमन भी आ जाए, एनिमल या थिंग इनमें से भी कोई आ जाए, उस कंडीशन में अपन को डेट का यूज करना है। अभी डेट का यूज कैसे होगा, वो डेट का यूज देख, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, द बॉय एंड हिज गॉट हैव बीन किडनैप्ड, द बॉय एंड हिज गॉट हैव बीन किडनैप्ड, आई सॉ देम यस्टरडे। अब मैं यहां पर लिख डेट। इस प्रकार से भैया कोई भी दो सेंटेंस आते हैं, इन दोनों सेंटेंसों को डेट से कनेक्ट करते हुए अपन को एक सेंटेंस लिखना है, समझ गए। अब किस प्रकार से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि यार अगर किसी सेंटेंस में मनुष्य के साथ कोई जानवर या वस्तु आ जाती है तो उसके साथ में किसका यूज होता है बेटा, समझ गए मेरी बात। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है द बॉय एंड हिज गॉट, बालक और उसकी बकरी, बालक और उसकी बकरी, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, द बॉय एंड हिज गॉट, समझ गए। अब देखते हैं जिसकी बात करते, अब अपन ने पहले भी कुछ सेंटेंसों में सीखा था कि अगर डेट का यूज पहले सेंटेंस के आप सब्जेक्ट के साथ करते हो तो पहले सेंटेंस का जो भी प्रेडिकेट्स बचता है, ये सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर चीजें, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहती है, तो उनको एक बार लिंक लेने में और दूसरे सेंटेंस को यहां छापने की कोशिश। I saw them yesterday. मैंने उनको कल देखा था। Them किसके लिए आया यहाँ पर? Boy and his goat. लड़का और बकरी के लिए। तो the boy and his goat that I saw yesterday. बालक और बकरी जिसको मैंने कल देखा था। Have been kidnapped, ये लो सब। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो बनता है। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट नंबर एक। तो अब यहां पर कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट नंबर एक आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर दो, यदि किसी सेंटेंस में द सेम all
एवरीथिंग एनीथिंग यदि किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आपको गिवन है और उस सेंटेंस में कहीं पर भी लिखा हो गया द सेम द ओनली द लिटिल द फ्यू ऑल नोबडी नॉन एवरीथिंग एनीथिंग तो सेंटेंस में हो तो डेट का यूज अगर ये सब चीजें दी हुई हो तो उस सेंटेंस के अंतर्गत डेट का यूज होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं the only mobile this is the only mobile yahi ek matra mobile hai This is the only mobile. यही एक मोबाइल है मतलब कोई मोबाइल है उस मोबाइल के बारे में बातें हो रही है This is the only mobile. यही एक मोबाइल है अब देखो ये सेंटेंस अपन को कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है पूरा अर्थ नहीं दे रहा ये एक मोबाइल क्या मतलब है इसका ये अपना अर्थ तब देगा जब ये सेंटेंस के साथ में आएगा इसी तो बोलते हैं ये आश्रित वाक्य है सब ऑर्डिनेट वाक्य है It has been given me by my father. ये मुझे मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया है तो ये बात क्या है अपना देरी अब the only आ गया इसका मतलब यहां this के साथ that का यूज नहीं हो सकता the only only के बाद में क्या है noun आई ना तो this is the only mobile अब इट किसके लिए आया इस मोबाइल के लिए आया इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं दैट हैज बीन गिवन मी बाय माय फादर ये लो साहब आप देखो दूसरे तरीके से भी अगर सेंटेंस पूछे मतलब अपन को दो सेंटेंस नहीं देकर अगर एक सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत खालिस्तान दी हुई हो I have given him everything. I have given him everything. और यह खालिस्तान I had. अब देखो ये सेंटेंस अधूरा I had मेरे पास था. क्या था वो मैंने नहीं बताया. मेरे पास क्या था वो मैंने नहीं बताया. क्योंकि जब ये सेंटेंस के साथ आएगा तो इसका सेंस अपने आप मिल जाएगा. I have given him everything that I had. मेरे पास जो भी था वो सब का सब मैं उसको
दे चुका हूं। इस प्रकार से अगर यहां पर जैसे ऑप्शन आ गया हु विच दैट, हु विच इनमें से कौन सा सुटेबल है, तो यहां पर इनमें से दैट नाम का जो ये है वो सुटेबल है। अब जब ये कॉन्सेप्ट नंबर दो पूरे हो गए तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट, वो पहले वाला जो लाइन है उसका अब वो याद रखें, वर्ड ओनली द नाउन नॉन एवरीथिंग द सेम फ्यू लिटिल, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा की निश्चितता के बारे में बोध नहीं कराते, द ओनली केवल एक, बाकी से कोई मतलब नहीं है, लिटिल थोड़ा सा ऐसे। अब कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब यदि किसी सेंटेंस में कोई सा भी सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट है कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तो उस सेंटेंस में देट का यूज होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो भैया, कोई भी एडजेक्टिव जिससे पहले दे लगा हुआ हो और उस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा हो या ईएसटी नहीं तो पहले मोस्ट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ हो तो वो होती है भैया सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस के साथ देट का यूज होता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस पर्सन आई न्यू हिम। अपडेट, अब देखो ये सेंटेंस अपन ने जब हु का यूज पढ़ा था तो उस हु वाले यूज में भी पढ़ा था क्या, क्या हिम आता है लास्ट में कोई पर्सन हो मिस्टर शर्मा। देखो मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस पर्सन हुम आई न्यू, जिसको मैं जानता हूं, लेकिन नहीं यहां पर क्या हुआ मोस्ट लेबोरियस, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना, इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से इसने यहां पर अपन को हुम नहीं दिया जबकि क्या दिया डेट। अगर वर्तमान जो अर्थ हुम दे रहा है वो ये डेट दे रहा है मिस्टर देखो शर्मा इज द मोस्ट पर्सन। अब यहां पर हुम भी लगा सकते थे लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से देट आया जिनको मैं जानता। अब यहां पर हिम हट जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ में आ गया बात। Talking about the most beautiful lady. One minute, sir. Sir? Yes. Hello, gentlemen. Most beautiful lady. Hello. She. How many minutes? Three. She lives. She lives near me. I am talking about the most beautiful lady. She lives near me. मैं सबसे जो सुंदर महिला है उसकी बात कर रहा हूँ और वह मेरे पास रहती है। अब डेट का यूज करके लगा रहा है तो यहां देख लो भैया, the most beautiful lady
तो ये हो जाएगा भैया आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट। अब देखो सी का क्या होगा, सी होगा इस लेडी के लिए आया तो सी अपने आप में यहां से हट जाएगा। दैट लिव्स नियर मी, इस प्रकार से आपके जो दैट का यूज है वो क्लियर हुआ। और जिससे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्लास आने वाली है कल, तो उसके अंतर्गत अपन जो व्हाई व्हाट थोड़े से ही तो और बचे उनके यूज पढ़ेंगे, और क्लोज पूरा होने के बाद अपन जो पोइम्स है वो स्टार्ट करेंगे। ये टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी पढ़ाई रिव्यूइंग जारी रखिए।